बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ऑरेंज का जैम बनाने के लिए जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनमें सबसे पहले तो मैंने ऑरेंजेस ले लिए हैं। तकरीबन ये 2 केजी होंगे। पल्प इनका जो है ना मैंने नहीं निकाला, मैंने उनको काट लिया, आप देख रहे होंगे। उसके बाद मैंने कुछ के मैंने ये छिलके ले लिए हैं 1/2 केजी, और मैंने 1/2 केजी ही यहाँ पर शुगर ली है। तो चलें हम अपने अब तैयारी की तरफ चलते हैं जी। तो व्यूअर, सबसे पहले मैंने ऑरेंज डाल दिए हैं। मैंने ऑरेंजेस के साथ ही चीनी भी शामिल कर दी है। जब सीज़न आता है आप बना के घर में रख लीजिए, बहुत ही ये फ़ायदेमंद बच्चों के लिए साफ़ सुथरा घर की चीज़ें नाश्ते में दें, पराठे के साथ दें, रमज़ान शरीफ में पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। आप सहरी के वक्त आप केक बनाएं, उसके अंदर जैम की फिलिंग, जैम की कोटिंग करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस जैम का होता है। चलिए अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, कुछ देर के बाद आपसे मुलाकात करूंगी। चलें अब थोड़ी देर के बाद जी। तो व्यूअर्स, ये देखें अब इसमें ये पकना शुरू हो गया है। बस इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने दें धीमी आंच पे, ये नीचे नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद बस चम्मच हिला दें आते जाते, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और खुश्क होना शुरू हो जाएगा। आप एक दफ़ा बना के इसे फ्रिज में रख लेंगे, 6 महीने आपका आराम और सुकून से चल जाएगा। ये तो व्यूअर्स, अब स्टेज पे मैंने ये इनको अच्छी तरह से पानी में डाल के निचोड़ लिया है, क्योंकि अगर इसको निचोड़े ना तो कड़वे बनेंगे, ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। मैंने छिलके भी शामिल कर दिए हैं। अब ये भी इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता गलेंगे। इसको तेज़ गर्म पानी में 2-3 दफ़ा डाल के हल्का सा बॉयल करके निकाल लिया, ताकि इनकी कड़वाहट निकल जाए और इनको अब ठंडा होने पे हाथों से अच्छी तरह निचोड़ लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। फिर इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। चलें देखें, इसको मुसलसल चीनी डालने के बाद मुसलसल चम्मच हिलाना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। देखें अब हमारा ये गाढ़ा होने की तरफ आ गया है। इसके बाद ये ठंडा होगा और ठंडा होके इसको फिर मज़ीद हम महफूज कर लेंगे शीशे के जार में, फ्रिज में। ये 6 माह तक ख़राब नहीं होगा। आप छोटे छोटे पैकेट में इसको फ्रीज कर लें, फ्रीज़र में रख के जब जब ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल करें निकाल के। अगर फ्रिज में आपके जगह नहीं है तो इसको फ्रीज कर लें छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियों में। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, जी तो व्यूअर्स देखें, हमारा ये देखें हमारा जैम बन के रेडी है।
इसको डिश आउट करेंगे ठंडा होने पे।